नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े पावर प्लांट के डैम में प्रबंधन व जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के मूक सहमति से मछलियों का शिकार किया जा रहा है। गौरतलब है कि यहां बाहरी बड़े व्यवसायियों के द्वारा स्थानीय मछली व्यवसाय करने वालों के साथ प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से नाव का प्रयोग कर जाल व अन्य उपकरणों से मत्स्य खेट कर बड़ी तादाद में व्यवसाय किया जाता है, जिसकी जानकारी मत्स्य विभाग के जिम्मेदारों सहित स्थानीय प्रशासन को भी है, लेकिन कार्यवाही की दरकार है। इस संबंध में जब विभाग के जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो वह कुछ भी कहने से बचते नजर आए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पांडे। यही मंठार में रहते हैं? जी हाँ। यह डैम में मछलियां मारी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके लिए तो हम शासन भी स्टे लगा के रखा है। बाहरी लोग आते हैं और अपना व्यापार के हिसाब से यहाँ से मछली मार के ले जाते हैं। अभी इस समय मछलियों के पेट में बच्चे रहते हैं, तो वो जनसंख्या बढ़ने की जगह और घट रही है। मछली मार के ले जा रहे हैं लोग बस, और इसको तो बिजनेस तौर पर ही देखा जा रहा है। और यहाँ पे न यहाँ का प्रबंधन एक्टिव है और न यहाँ का प्रशासन, इनकी लापरवाही के कारण आए दिन मछलियाँ यहाँ से जा रही हैं। यह बात भी सामने आ रही है कि यहाँ स्थानीय लोग भी शामिल रहते हैं? जी हाँ जी हाँ। क्या नाम आपका? भवानी पांडे। यही मंठार में? हम यही मंठार में रहते हैं। यहाँ पे ये डैम जो है, यहाँ पे प्रतिबंध लगा है मछली मारने का। लोग आकर के यहाँ से मछली भी मारते हैं और यहाँ के कुछ लोकल का भी सहयोग है। प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ले जा करके बेचते हैं धड़ल्ले से। इसमें पहले हमारे जो बाढ़ सागर वाले हैं, मछली प्रबंधन वाले, उन्होंने हमको एक चार का गार्ड उपलब्ध कराने के लिए बोला है, तो हमने उनको उपलब्ध कराया है। जो इस पर जो आप बता रहे हो, इस पर भी जो हमारे पास संज्ञान में आया है, इस पर भी हम विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।